जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जहाँ हैं वहीं रहकर तीन काम करें अगर आप पूज्य श्री भाई जी से जुड़ना चाहते हैं। पहला, नियमित रूप से भाई जी से जुड़ने का एक घंटा निकालेंगे और भाई जी के विषय में आपके पास जो कुछ हैं उसे पढ़ें। दूसरा, नियमित रूप से भाई जी से या भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें, हे भाई जी, हे भगवान, विषयों के मोह में पड़कर फंसा हुआ हूँ, आप ही कृपा कीजिए, इस हृदय को प्रेम से भर दीजिए। तीसरा, जब जब समय मिले, भाव बढ़े, तभी भाई जी को पत्र भेजकर अपनी याद दिलाते रहें। अब पूज्य श्री भाई जी नहीं हैं तो मन ही मन भाई जी को निवेदित कर दें। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आज भी किसी के मन में भगवान से मिलने का विचार हो तो आज विचार कर लो, आज ही मिल जाएंगे। रात्रि में बैठ जाओ कि भगवान मिलेंगे, परंतु आपके मन में यह छाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। फिर दुनिया कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं, भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं, आपके पापों से, दुष्कर्मों से भगवान अटक जाएं तो मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो आपको भगवान से न मिलने दे। कोई भाई बहन कैसा ही क्यों ना हो, जोरदार इच्छा हो जाए तो भगवान मिलेंगे, 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 ज़रूर मिलेंगे। भगवान को मिलना ही पड़ेगा, परंतु आपके भीतर यह बात नहीं रहनी चाहिए कि इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलते। यह बात रहेगी तो भगवान अटक जाएंगे। अगर हमारे पापों के कारण भगवान न मिलते हों तो हमारे पाप भगवान से बलवान हुए, अगर पाप बलवान हुए तो भगवान मिलकर क्या निहाल करेंगे। भगवान इतने निर्बल नहीं हैं कि पाप कर्मों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे भगवान हमारे को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उन्हें चाहते नहीं। हमारे भीतर रुपयों की चाहना है, फिर भगवान बीच में क्यों आएंगे? मानो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे बिना तेरा काम चलता है, अगर मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा काम भी तेरे बिना चलता है। जय श्री राधे।